आज मैं बहुत खुश हूँ, पंजाब के लोगों के लिए खुश हूँ, देश के लोगों के लिए खुश हूँ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने आज बहुत शानदार ऐलान किया इस देश के गरीबों के लिए, पंजाब के गरीबों के लिए, और मैं समझता हूँ कि पूरे देश पे आने वाले समय में इसका असर पड़ेगा। भगवंत मान जी ने ऐलान किया है कि पंजाब में गरीबों का राशन उनके घर घर तक पहुंचाया जाएगा, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन, घर घर राशन योजना। अभी आज़ादी के 75 साल बाद भी एक गरीब आदमी को अपना गेहूं चावल महीने का जो राशन होता है जो सरकार देती है, वो राशन लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, छुट्टी लेनी पड़ती है, ढेरों तकलीफें उठानी पड़ती है। आज जमाना ये आ गया कि एक फ़ोन करो और फ़ोन के ऊपर ऑर्डर करो और पिज़्ज़ा आपके घर आ जाता है, सारा सामान आपके घर आ जाता है, लेकिन राशन लेने के लिए गरीब आदमी को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। तो घर घर राशन योजना के तहत लोगों का गेहूं या आटा या दाल जो भी है, चावल, वो अच्छी सी पैकिंग करके, बोरी में पैकिंग करके, आपके घर का जितना भी बनता है वो आपके घर में सरकार हर महीने आपके घर में देके आएगी। पंजाब के गरीबों को इससे बहुत फ़ायदा होगा, तो मैं पंजाब के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं समझता हूँ ये जल्दी लागू होगा, आज ऐलान किया गया है। दिल्ली में पिछले 4 साल से हम लोग इस योजना को, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन की योजना को लागू करने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। सब कुछ हो चुका था, हमने सारा काम कर लिया था, केंद्र की भाजपा सरकार ने इसको रोक दिया, इसे करने नहीं दिया। ये सही नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है, यू कैन नॉट स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम। जिस आइडिया का समय आ चुका है उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको कोई ताकत नहीं रोक सकती, फिर उसके पीछे कुदरत लग जाती है। अब इसका आइडिया आ चुका है, इसका समय आ चुका है, तो ये तो लागू होगा। दिल्ली में नहीं लागू करने दिया, कोई बात नहीं, पंजाब में लागू करेंगे। पंजाब में लागू होगा, सारा देश देखेगा, सारे देश के लोग इसकी मांग करेंगे, पूरे देश में लागू होगा। जैसे आज मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बने, पूरे देश में बन रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो जो चीज़ें लागू हो रही है, लागू कर रहे हैं, पूरे देश में लागू होती जा रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में आप लोगों ने, सबने देखा कि किस तरह से दिल्ली के लोगों के कामों को रोका गया, किस तरह से हम मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते थे, मोहल्ला क्लिनिक को 2 साल तक रोक लिया, लेकिन फिर बनाए हम लोगों ने। सीसीटीवी कैमरे पूरे दिल्ली में लगाना चाहते थे, उनको 3 साल तक फाइल रोक दी केंद्र ने। स्कूल बनाना चाहते हैं उनको रोका जाता है, अस्पताल बनाना चाहते हैं उनको रोकने की कोशिश की जाती है। पिछले 75 साल से इस देश के लोगों को रोका गया, हर कदम पे रोका गया। लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लोग विकास करना चाहते हैं, लोग प्रगति करना चाहते हैं, उन्हें रोका जाता है। इस देश के लोग बहुत अच्छे हैं, इस देश के लोग बहुत इंटेलिजेंट है, इस देश के लोगों में बहुत टैलेंट है, इस देश के लोग तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन उनको 75 साल से रोका जा रहा है। लेकिन अब लोग रुकने वाले नहीं हैं, अब लोगों ने ठान लिया, अब लोग खड़े हो गए हैं। 2 राज्यों के अंदर लोगों ने कट्टर ईमानदार सरकार बना दी है, अब ये देश तरक्की करेगा, अब ये देश आगे बढ़ेगा। मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूँ, सभी ताकतों को कहना चाहता हूँ जो इस देश को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप जो मर्जी कर लीजिए, अब ये देश रुकने वाला नहीं है। नमस्कार।